वीर योद्धा भानलाल जाडेजा, जिन्होंने गाजर मूली जैसे मुगलों को काटा और अकबर को भागने पर मजबूर कर दिया। यह वक्त था 1576 ईस्वी। मेवाड़ और गोडवाना के साथ साथ गुजरात वक्त मुगलों से लोहा ले रहा था। गुजरात में स्वयं बादशाह अकबर और उनके सेनापति कमान संभाले थे। अकबर ने जूनागढ़ रियासत पर 1576 ईस्वी में आक्रमण करना चाहा। तब वहां के नवाब ने पड़ोसी राज्य नवानगर के राजपूत राजा जाम सत्ताजी जडेजा से सहायता मांगी। क्षत्रिय धर्म के अनुरूप महाराजा ने पड़ोसी राज्य जूनागढ़ की सहायता के लिए अपने 30,000 योद्धा को भेजा, जिसका नेतृत्व कर रहे थे नवानगर के सेनापति वीर योद्धा भानजी जडेजा। सभी राजपूत योद्धा देवी दर्शन और तलवार शास्त्र पूजा कर जूनागढ़ की ओर सहायता को निकले, पर माँ भवानी को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन जूनागढ़ के नवाब ने अकबर की विशाल सेना के सामने लड़ने से इनकार कर दिया। वह आत्मसमर्पण के लिए तैयार हो गया। नवानगर के सेनापति ने वीर भानजी जडेजा को वापस अपने राज्य लौटने को कहा। इस पर भानजी और उनके वीर राजपूत योद्धा अत्यंत क्रोधित हुए। भानजी जडेजा ने सीधे सीधे जूनागढ़ नवाब को अपनी राजपूती तेवर में कहा, क्षत्रिय युद्ध के लिए निकलता है, या तो वो जीत कर लौटेगा या फिर रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर। वहाँ सभी वीर जानते थे कि जूनागढ़ के बाद नवानगर पर आक्रमण होगा। आखिर सभी वीरों ने फैसला किया कि वे बिना युद्ध किए नहीं लौटेंगे। अकबर की सेना लाखों में थी। उन्होंने मजेवाड़ी गांव के मैदान में अपना डेरा जमा रखा था। भानजी जडेजा ने मुगलों के तरीके से ही कूटनीति का उपयोग करते हुए आधी रात को युद्ध लड़ने का फैसला किया। सभी योद्धा आपस में गले मिले, फिर अपने इष्ट देव का स्मरण कर युद्ध स्थल की ओर निकल पड़े। आधी रात हुई और युद्ध आरंभ हुआ। मुगलों का नेतृत्व मिर्जा खान कर रहा था। उस रात हजारों मुगलों को काटा गया। मिर्जा खान भाग खड़ा हुआ। सुबह तक युद्ध चला। मुगल सेना अपना सामान छोड़ भाग खड़ी हुई। बादशाह अकबर जो की सेना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर था, वो भी उसी सुबह अपने विश्वसनीय लोगों के साथ काठियावाड़ छोड़कर भाग खड़ा हुआ और युद्ध में मुगल सेनापति मिर्जा खान भाग खड़ा हुआ। भानजी ने बहुत से मुगल मनसबदारों को काट डाला। हजारों मुगल मारे गए। नवानगर की सेना ने मुगलों का 20 कोस तक पीछा किया। जो हाथ आए वो काटे गए। अंत में भानजी जडेजा ने मजेवाड़ी में अकबर के शिविर से 52 हाथी, 3,530 घोड़े और पालकियों को अपने कब्जे में ले लिया। उसके बाद राजपूती फौज सीधी जूनागढ़ गई। वहां नवाब को कायरता का जवाब देने के लिए जूनागढ़ के किले के दरवाजे भी उखाड़ दिए। ये दरवाजे आज जामनगर में खम्बालिया दरवाजे के नाम से जाने जाते हैं, जो आज भी वहां लगे हुए हैं। बाद में जूनागढ़ के नवाब को पछतावा हुआ और उन्होंने नवानगर महाराजा साताजी से क्षमा मांगी और दंड स्वरूप जूनागढ़ रियासत के चूरू भार सहित 24 गांव और जोधपुर परगना नवानगर रियासत को दिए। कुछ समय बाद बदला लेने की मंशा से अकबर फिर आया और इस बार उसे तामाचान की लड़ाई में फिर हार का मुंह देखना पड़ा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें।